चलिए। पेट्रियोलॉजी में जो है इसके अंतर्गत है ना, पेट्रोलॉजी को जो है तीन ब्रांच में बांटा गया है। पेट्रोलॉजी को चट्टानों के आधार पर, पहला है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक यानी आग्नेय शैल। दूसरा जो है वो है अवसादी शैल, अवसादी शैल यानी सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंटरी रॉक है ना। तीसरा जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, हिंदी में इसे जो है कायंत्रित शैल कहा जाता, कायंत्रित या रूपांतरित भी कहा जाता है, रूपांतरित सेल है ना। तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक, हिंदी में आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायंत्रित सेल है ना। इस इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है ना। यानी इग्नियस रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक, यानी आग्नेय शैल को जो है उसे प्राथमिक चट्टाने भी कहा जाता है ना। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये प्राथमिक चट्टान है तो इसे द्वितीयक चट्टान कहा जाता है ना। अवसादी शैल को द्वितीयक चट्टान कहा जाता है, यानी सेडिमेंटरी रॉक इज ए ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक है ना। मेटामॉर्फिक क्या हो जाएगा तब, टर्सरी हो जाएगा है ना। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि है ना, तीन चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, इग्नियस रॉक, सेडिमेंटरी रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या है ना ये सभी दिया हुआ रहेगा, यानी ऑल ऑफ दी या फिर नॉन ऑफ दीज है ना। और इनमें से पूछ देगा कि इनमें से जो है आपका प्राइमरी रॉक कौन है, या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि सेकेंडरी रॉक कौन सा है। तो प्राइमरी रॉक के बारे में अगर पूछ दे तो आपको इग्नियस रॉक, अगर सेकेंडरी रॉक में पूछ दे तो सेडिमेंटरी रॉक है ना। प्राइमरी रॉक इज ए इग्नियस रॉक, सेकेंडरी रॉक इज ए सॉरी सेकेंडरी रॉक इज ए सेडिमेंटरी रॉक एंड टर्शियरी रॉक इज ए मेटामॉर्फिक रॉक है ना। अब देखिए जैसा कि आपको मैं पहले बताया कि इग्नियस रॉक का निर्माण कैसे होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक कैसे होता है, मैं आप लोगों को पढ़ाया इससे पहले। इग्नियस रॉक के अंतर्गत उनके टेक्सचर को पढ़ाया, इग्नियस रॉक में जो है उनके कुछ पेट्रोग्राफिक डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बताया। अब जो है हम इस अवसादी शैल के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है और उनमें आगे क्या पढ़ना है रिड्यूस सिलेबस के अनुसार है ना। तो मैं बाकी को मिटा देता हूँ। चलिए अब मैं चर्चा करूंगा सेडिमेंटरी रॉक के बारे में है ना। सेडिमेंटरी सेडिमेंटरी रॉक अवसादी सैल, और सैल बोलिए या चट्टान बोलिए दोनों क्या है एक ही बात है ना। सैल कहिए या चट्टान दोनों एक ही बात है। सर इस बार कौन सा रॉक इम्पोर्टेंट है ना। देखिए अगर आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो इस बार जो है इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री है ना, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक जो है उसमें ज्यादातर थ्योरी होता नहीं है, और किसी भी सिर्फ इस बार एग्जाम ही नहीं बल्कि कोई भी जब भी एग्जाम होगा है ना, चाहे वो 18, 19, 20, 21 जब भी हुआ हो है ना। जैसे कि 12th में मैं चार ब्रांच के बारे में बताया था, पेट्रोलॉजी पढ़ना होता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी। तो इन चार में से पेट्रोलॉजी जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो होता है वो पेट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है।
तो जैसा कि ये 12th के चार ब्रांच में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेट्रोलॉजी से पूछा जाता है, और पेट्रोलॉजी के अंतर्गत पेट्रोलॉजी में फिर क्या है, उनके तीन ब्रांचेस है यानी, है ना, तीन तरह के उनके अंतर्गत क्या पाई जाती है, रॉक्स पाया जाता है। तो जैसे इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, और मेटामॉर्फिक। तो जैसा कि यहाँ देखिए कि चार में से पहला जो पेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और पेट्रोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट की बात करें तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक हर साल के लिए, यानी सबसे ज्यादा पेट्रोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, और पेट्रोलॉजी के अंदर का तीन ब्रांच है तो सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री से पूछा जाता है प्रत्येक साल, है ना। तो समझ गए होंगे कि अब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। ज्यादातर क्वेश्चंस पेट्रोलॉजी से उन्हीं दो उनके ब्रांचेस के अंदर यानी चट्टानों से पूछा जाता है ना। अब जो है सेडिमेंट्री को समझने से पहले आपको, सेडिमेंट्री रॉक को समझने से पहले आपको जो है इग्नियस रॉक के बारे में समझना जरूरी है, और इग्नियस रॉक को समझने के लिए आपको चट्टानों को समझना जरूरी है ना। और चट्टानों को समझने से पहले आपको टेक्टोनिक प्लेट्स, मैग्मा, इनके बाद अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन के बारे में समझना जरूरी है। तो आप लोगों मैं इससे पहले बताया था, है ना, मैं थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लूंगा, है ना, पीछे क्लास के। तो ये जो है आपका क्रस्ट है ना, ये क्रस्ट है यानी भूसतह है जहाँ आप और हम है ना, भूसतह। ये क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट के ठीक नीचे एक चैम्बर होता है, एक जगह नहीं, वो संसार के अलग अलग कोने कोने में होता है ना। मैग्मा रिंग भी कहा जाता है इसे, है ना। तो ये क्रस्ट के नीचे एक मैग्मा चैम्बर होता है, एक एरिया का नाम होता है मैग्मा चैम्बर। उस एरिया में क्या होता है, वो लिक्विड जोन में रहता है। लिक्विड जोन बोले तो तरल अवस्था में रहेगा, है ना। और ठीक उनके ऊपर चले जाइए या नीचे चले जाइए, है ना, वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। अब क्या होता है कि जैसा कि मैं इससे पहले बताया हूँ कि पूरे संसार को सात बड़े टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना, और छोटे अन्य 20 टेक्टोनिक प्लेट्स में बांटा गया है पूरे संसार के भूखंड को। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में क्या होता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है मान लीजिए, ये आपस में थोड़ा बहुत गति करता है ना, जो जिसका हमें पता नहीं होता है, यानी पता नहीं चल पाता, महसूस नहीं कर पाते हैं। तो ये दो टेक्टोनिक प्लेट जो है हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली बहुत स्लो मोशन में क्या होता है, गति करता है। और ये दो टेक्टोनिक प्लेट जो है एक साल के दौरान, है ना, 4 से 5 सेंटीमीटर अपने आसपास से जो है एक खिसक जाता है ना। तो चलिए, तो ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कभी कभी ये टकराव होता है, तो तब क्या होता है, हमें भूकंप के रूप में महसूस होता है, यानी अर्थक्वाइक, है ना, महसूस होता है। जब अर्थक्वाइक होता है तो मान लीजिए नेपाल के किसी भूखंड के नीचे यानी क्रस्ट के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराया, तो नेपाल में रहने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा तेज झटका महसूस होगा भूकंप का, है ना। अब जो है कोई भारत में रह रहा है, कोई अन्य दूर के देशों में रह रहा है, तो उनको महसूस थोड़ा कम होगा। तो अब क्या होगा, मान लीजिए टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत तेज गति से टकराया होगा नेपाल के किसी भूखंड के नीचे, क्रस्ट के नीचे, तो भूकंप भूकंप के रूप में महसूस हुआ होगा। और जो उनके भूखंड है यानी क्रस्ट का जो सॉलिड सॉलिड जोन है, इन सॉलिड जोनों में इन प्रकार क्या होगा कि दरारे पड़ गया होगा, यानी छिद्र हो गया होगा, फट गया होगा, है ना, सॉलिड जो जोन है। और इन छिद्रों से होकर इन जो ये हैं, तो क्या होगा कि इस इन मैग्मा चेम्बर में, है ना, इन मैग्मा चेम्बर में एकदम आग के गोला जैसा, है ना, दहकता हुआ आग का गोला है इसमें। और इसमें क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के गैस भी मौजूद रहता है, तो ये हमेशा गैस, विभिन्न प्रकार के गैस एंड मिनरल्स मौजूद रहने के कारण ये जो है बाहर की ओर, है ना, खुली हवाएं में, वातावरण में आने की कोशिश करता है। तो अब जो है क्रस्ट के निचले वाले जोन में या क्रस्ट के सॉलिड स्टेट वाले जोन में जो सबसे कमजोर स्थान होगा, है ना, जो सबसे वीक पॉइंट होगा, उनसे निकलने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए कि ये जो है दरारे हैं, है ना, यानी कमजोर भाग है क्रस्ट का,
सॉलिड जोन का। तो इन मैग्मा में मौजूद मैग्मा जो है लिक्विड, मैग्मा लिक्विड, ये इन दरारों से होकर निकलने की कोशिश करेगा और जो है उन्हीं को जो है वॉल्केनिक इरप्शन कहा जाता है। और इन प्रकार स्ट्रक्चर, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में क्या करेगा, धीरे धीरे वही लिक्विड मैग्मा जब क्रस्ट के बाहर इधर उधर आके फैल जाएगा तो एक पहाड़ नुमा आकार जैसा बन जाएगा ठंडा होने के पश्चात, है ना। तो इन्हीं को हम लोग जो है बताए थे कि क्रस्ट के बाहर जो सबसे पहले आकर लिक्विड मैग्मा जो सॉलिड स्टेट में चेंज हुआ और ठोस चट्टानों में यानी सॉलिड रॉक्स में जो है परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, तो इन्हीं को हम लोग इग्नियस रॉक कहा जाता है। इग्नियस रॉक यानी आप जो आपके आसपास या कहीं भी पहाड़ जो देख पा रहे हैं हिली एरिया, तो ये इसी कहीं क्या है आपका इग्नियस रॉक है ना। अब समझते हैं, अब तो आप जो है अब हम चर्चा करेंगे सेडिमेंटरी रॉक के बारे में, है ना। देखिए ये जो है मैं एक पहाड़ बनाया है ना, ये जो है मैं एक पहाड़ बनाया। अब जो है देख पा रहे हैं, अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूं, है ना। तो देखिए ये जो पहाड़ देख पा रहे हैं ये क्या है आपका इग्नियस रॉक है ना, इसे इग्नियस रॉक समझिए, है ना। और ये जो पहाड़ है ये जो इससे मैं क्या निकालने की कोशिश किया, वाटरफॉल को दर्शाया मैं, यानी झरना को दर्शाया है ना, वाटरफॉल फॉल को दर्शाया मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है पानी का क्या होगा, तेज बहाव होगा है ना, यानी वाटर का फ्लो होगा यहाँ से वाटरफॉलिंग में। तो क्या होगा ये जो झरना हो से यानी झरना के माध्यम से जो पानी निकलने की कोशिश कर रहा है ना, यानी पानी जो निकल रहा है लगातार, तो ये पानी जो है वाटर है ना, यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि कुछ यहाँ पर झीलें भी मौजूद हो, है ना। यहाँ पर हो सकता है बड़ी झीलें वगैरह हो, है ना, जैसे आपका या फिर डैम कह सकते हैं आप, है ना, जैसे आपका रांची में पथरातू डैम है ना, या फिर मैराथन डैम है, या मसानजोर डैम दुमका में है ना, तो हो सकता है ये डैम भी हो। तो पहाड़ों से निकला हुआ है ना, यानी जो वाटर फॉलिंग के रूप में जो मौजूद है पहाड़ में, यहाँ से क्या होगा कि जल का फ्लो होगा, जल का फ्लो होकर ये हमेशा नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, यानी अपने से डाउन वाले एरिया में। तो पहाड़ क्या है वो ऊंचा होता है, तो उनके अकॉर्डिंग वहां यदि कोई वाटरफॉल मौजूद है तो वहां से हमेशा वाटर फ्लो होगा और हमेशा अपने से डाउन एरिया की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से पानी आने के बाद क्या होगा कि यह हो सकता है अगर वहाँ डैम मौजूद हो तो उन डैम में आके पानी क्या होगा, स्टोरेज होगा। अगर मान लीजिए डैम फुल हो जाता है या फिर इन डैम से कोई कनेक्शन है ना, कोई नदी से कनेक्शन है, बहुत सारे जगह में होता भी है, तो एक क्या होगा कि डायरेक्ट भी हो सकता है, यानी वाटरफॉल से डायरेक्ट रिवर में भी कनेक्शन हो सकता है, रिवर वाटरफॉल से डायरेक्ट एक नाला के रूप में जाएगा तो हो सकता है वो डायरेक्ट रिवर से कनेक्शन हो, या फिर ऐसे भी हो सकता है वाटरफॉल का कनेक्शन डैम से होगा और डैम का कनेक्शन रिवर से होगा, है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो वाटरफॉल में जो पानी तेज प्रभाव निकलती है ना, या फिर मान लीजिए रेन वाटर भी कह सकते हैं आप, रेन वाटर, रेन वाटर है ना, जो बारिश की बूंदे पड़ेगा है ना, यानी बारिश की बूंदे पड़ेगा,
तो मान लीजिए बारिश अगर ये होती है, सॉरी, डायरेक्ट नदी के ऊपर होता है तो सेडिमेंटरी रॉक बनने में कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन यदि कोई पहाड़ों के आसपास भी वहीं वहां बारिश हो रही है तो उनके माध्यम से जो है सेडिमेंटरी रॉक का निर्माण होगा। अब कैसे होगा समझा रहे हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ बताया कि ये क्या है, एक सॉलिड सॉलिड स्टेट में है ना, नहीं सॉलिड एरिया है, ये सॉलिड जोन है, ठोस चट्टान है ये, है ना, ठोस चट्टान यानी सॉलिड रॉक, सॉलिड रॉक है जिसका नाम इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक से जो है सेडिमेंटरी रॉक का निर्माण होता है ना, यानी फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका वाटरफॉल है। अब वाटरफॉल का कनेक्शन किसी डैम से होगा या फिर वाटरफॉल का कनेक्शन डायरेक्ट रिवर से भी हो सकता है। तो अब क्या होगा, इन पानी के तेज बहाव है ना, यानी ये पानी के जो है फ्लो से क्या होगा कि पहाड़ों में विभिन्न प्रकार के जो है छोटे बड़े कंक्रीट मौजूद रहता है, उसमें छोटे बड़े कंकड़ पत्थर होता है ना। आप जान रहे हैं कि छोटे बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं तो वो क्या होता है कि अगर ये पानी के प्रभाव के साथ, यानी ये जो पानी का फ्लो हो रहा है इनके कांटेक्ट में, इनके संपर्क में जो भी छोटे बड़े कंकड़ पत्थर आएगा उसको धीरे धीरे सरकते हुए, यानी धीरे धीरे जो है आगे इसको ठेलेगा, ठेलने की कोशिश करेगा, यानी इन पानी के तेज प्रभाव के माध्यम से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते बढ़ते किसी डैम में जाके जमा होगा या फिर कोई रिवर में जाके जो है यहाँ आगे बढ़ के यहाँ पर आके जमा होगा, है ना। ये समझ लीजिए पॉइंट है ना, पॉइंट बिटवीन है ना, इसका जो ये है लावा, सॉरी वाटरफॉल हो रहा है इनका और रिवर का, ये समझ लीजिए ये मिड पॉइंट, सॉरी ये जॉइंट पॉइंट है ना। यानी वाटरफॉल जो वाटरफॉल का है उनका कनेक्शन यहाँ होगा और नदी आके यहाँ मिलेगी, है ना। तो ये क्या है आपका, समझ लीजिए पॉइंट है ना, जॉइंट पॉइंट। तो अब देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है कि पानी निकल रही है, यानी वाटर का फ्लो हो रहा है, और इन फ्लो के माध्यम से जो पहाड़ों में मौजूद छोटे पड़े जो कंक्रीट एंड पत्थर होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो पानी के तेज बहाव से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा और आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे एक लॉन्ग टर्म में है ना, टाइम टेकिंग लेकर धीरे धीरे कंकड़ पत्थर आगे बढ़ेगा, सरकते सरकते हुए किसी स्थान पे आके जमा होगा धीरे धीरे, है ना। अगर मान लीजिए यहाँ से वाटर फ्लो के माध्यम से हो रहा है, इनके अलावा जो हिली एरिया है इनमें अगर मूसलाधार बारिश होती है, यानी तेज बारिश होती है ना, तेज बारिश होती है, तो इन बारिशों के यानी रेन वाटर के माध्यम से भी छोटे छोटे, अगर रेन वाटर जो है लंबे समय तक 8 दिन 10 दिन और तेज बारिश होती है लगातार, तो उन रेन वाटर के माध्यम से भी यानी वर्षा जल के माध्यम से भी पहाड़ों में मौजूद छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को वो निचले क्षेत्रों में ठेलने की कोशिश करेगा, है ना, यानी निचले क्षेत्रों में भेजने की कोशिश करेगा, और इन्हीं रेन वाटर के माध्यम से या वाटरफॉल में जो पानी का लगातार जो तेज प्रवाह हो रहा है उनके माध्यम से छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को किसी निचले स्थान पे, है ना, क्या होगा आके जमा कर देगा, यानी डिपॉजिट्स करेगा, है ना, जमा कर देगा, है ना, यानी डिपॉजिट्स करेगा। डिपॉजिट्स मतलब जमा करना हो, जैसे बैंक में जाके आप डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट करते हैं, है ना। लेकिन जियोलॉजिकल में डिपॉजिट्स का मतलब जमा नहीं होता है, उनका मतलब निक्षेप होता है ना, निक्षेप। जियोलॉजिकल वर्ड में हिंदी में इसे निक्षेप कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे डिपॉजिट्स कहा जाता है, आसान भाषा में समझे तो उसे जमा कहा जाता है ना। तो चाहे वो रेन वाटर के माध्यम से हो या फिर सॉलिड रॉक के माध्यम से हो, तो इन वाटर के माध्यम से, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब है ना तेज हवाएं चलती है, यानी वाइंड है ना, तो जब तेज हवाएं चलती है ना, तो तेज जब हवाएं चलेगी उनके माध्यम से भी जो है धूल कण क्या होगा, उड़े उड़कर जो है फिर किसी निचले स्थान पे जमा होने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपका रेन वाटर के माध्यम से, वाटरफॉल के माध्यम से हो या फिर हवाएं के माध्यम से हो, उनसे होकर भी नीचे आने की कोशिश करेगा, है ना। अब क्या होगा कि जब ये रेन वाटर के माध्यम से या फिर वाटरफॉल के माध्यम से या तेज हवाएं
के माध्यम से तेज हवाएं इनके माध्यम से ही, है ना। आप देखे होंगे कि जो घरों में है ना, जो सीमेंटेड मटेरियल्स बनाया जाता है, जो बालू होता है ना, रेड कलर के जो बालू देख पा रहे हैं आप, जो घर के निर्माण में लगाया जाता है, तो वो सब अपना वॉइस जो है बंद रखिए, है ना। तो घर के निर्माण में जो जो बालू का प्रयोग किया जाता है, तो वो बालू भी जो है उन पहाड़ों से होकर किसी नदी के माध्यम से, है ना, निकलता है। आप नाम सुने होंगे बहुत सारा, गंगटी नदी है, इनके अलावा जो इसे घुमानी नदी है। तो उन नदियों में क्या होता है, पहाड़ से वो कनेक्शन होता है और उन नदियों में सिर्फ जो है वो जो है बालू पाया जाता है। बांसलोई नाम सुनेंगे, बांसलोई का बालू भी फेमस है। इनके अलावा जैसे बंगाल में है रानेश्वर, रानेश्वर का बालू सबसे अच्छा माना जाता है। तो रानेश्वर का भी जो नदी है, उनका भी कनेक्शन किसी ना किसी पहाड़ में है और उनसे एकदम फ्रेश बालू होकर निकलता है जो हम घरों के निर्माण में लगाते हैं। तो वो बालू भी क्या होता है, पहाड़ों में मौजूद रहता है, तो वाटरफॉल या फिर रेन वाटर, है ना, खास करके जो ये होता है बारिश का मौसम होता है, यानी बाढ़ का वक्त होता है ना, तो उस टाइम क्या होता है, ज्यादा डिपोजिट्स का ये होता है, जमा होता है। तो ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का डिपोजिट्स बाढ़ के समय में ज्यादा होता है, उस टाइम बारिश ज्यादा होती है। तो रेन वाटर या फिर तेज हवाएं या फिर वाटर फॉलिंग के माध्यम से हो, या फिर कोई जो है अन्य सोर्स के माध्यम से हो, है ना, कोई भी सोर्स हो सकता है। तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को एक लंबे समय के पश्चात, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर किसी न किसी पॉइंट पे जाके ये डिपोजिट्स होगा, जमा होगा, और यही डिपोजिट्स कंकड़ पत्थर एक लंबे रॉक्स दैट हैज बीन ड्राइव्ड थ्रू प्री एग्जिस्टिंग ट्रैक्स बाय द प्रोसेस ऑफ इरोशन ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिट्स बाय नेचुरल एजेंसीज लाइक वाइंड वाटर इटीसी। यस, है ना, वही चीज मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि उनका जो है जाने सोर्स का कई एक माध्यम हो सकता है, हवाएं हो सकती है या फिर तेज वाटर का प्रवाह हो सकता है ना। तो कह रहा है कि इन्हीं जो सोर्स है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इन्हीं सोर्स के माध्यम से, रेन वाटर, तेज हवाएं या फिर जो है आपका वाटरफॉल के माध्यम से, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर एक दिन में इनका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये लंबे समय के पश्चात यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे छोटा कंकड़ पत्थर जो है एक जगह जमा हो जाएगा। इसी में ये लंबे समय तक जब रह जाएगा, तो इनमें जो है फिजिकल चेंजिंग होगा, इनमें केमिकल चेंजिंग होगा, है ना, इनमें बायोलॉजिकल चेंजिंग होगा, और एक लंबे समय तक जो है जमा रहेगा पानी के अंदर, एक लंबे समय तक जो है ये जमा रहेगा, डिपोजिट्स रहेगा, और इनमें भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन होगा। इनके पश्चात धीरे धीरे अब क्या होता है, नदी में विभिन्न प्रकार के क्या होता है कि ये आपका जो है आपका क्ले मौजूद रहता है, या फिर सैंड स्टोन वगैरह मौजूद रहता है, या फिर जिसे कादो बोलते हैं वो मौजूद रहता है, उनके साथ जो है इन डिपोजिट्स क्या होगा, मिक्सअप होकर रहेगा। एक लंबे समय तक रहने के बाद भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग होने के बाद ये सेडिमेंटरी रॉक का निर्माण करेगा, यानी सेडिमेंटरी रॉक का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। आप समझ पाए कि सेडिमेंटरी रॉक क्या है, यानी कहीं ना कहीं ये प्राइमरी रॉक यानी इग्नियस रॉक का एक छोटा छोटा कंकड़ पत्थर किसी निचले स्थान पे आके जब जमा हो जाता है और लंबे समय तक रह जाता है, तो लंबे समय रहने के बाद उसमें फिजिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग होने के बाद एक डिपोजिट्स यानी एक रॉक का फॉर्मेशन होता है, और उन रॉक को जो है हम लोग सेडिमेंटरी रॉक यानी सेकेंडरी रॉक के नाम से भी जानते हैं, है ना। आप लोग का डाउट क्लियर, सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, आप लोग समझ पाए, कमेंट बॉक्स में बताइए, पूरा एकदम समझ पाए या नहीं, आप लोग डिटेल्स में सब कोई बताने का कष्ट करें कि फॉर्मेशन कैसे होता है सेडिमेंटरी रॉक का। चलिए, वेरी गुड, है ना। तो देखिए अब जैसे है इसमें कह रहा है कि हाँ, इनके कुछ एग्जाम्पल्स है ना, सेडिमेंटरी रॉक का कुछ एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स जैसे लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इनके अलावा आपका जैसे हो गया
ना। अलावा जैसे सैंडस्टोन हो गया, ये इसे चूना पत्थर बोलते हैं। सैंडस्टोन ये बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको। इनके अलावा जैसे है ना, कोल भी आता है एटसेट्रा। तो आपको जो है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन है ना, उनके बाद इनके बाद जो है ना सेल भी होता है एक सेल। तो ये जो है लाइमस्टोन की बात करें, सैंडस्टोन की बात करें या सेल की बात करें, ये आपका सेडिमेंटरी रॉक का टाइप है ना। यानी टाइप्स ऑफ सेडिमेंटरी रॉक है ना, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड सेल। चलिए, तो ये जो लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या सेल है, तो इन बार अगर एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका लाइमस्टोन पढ़ेंगे और सैंडस्टोन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन है ना। तो आपका जो है इनमें से, अगर इन दोनों में से बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइमस्टोन, है ना। लेकिन हम पढ़ाएंगे लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन पढ़ लेंगे, इनके बाद आपका सेडिमेंटरी रॉक में और कुछ पढ़ना नहीं है। ये आपका सेडिमेंटरी खत्म हो जाएगा, एक और क्लास लेंगे, सेडिमेंटरी खत्म। लाइमस्टोन और सैंडस्टोन पढ़ा देंगे। मेटामॉर्फिक में जो है एक क्लास लगेगा उसमें, और उसके बाद पेट्रोलॉजी जो है आपका एंड हो जाएगा, है ना। चलिए, तो आप ठीक है, आज का क्लास जो है यहीं मैं खत्म करूंगा, है ना। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं बाद में हमें मैसेज करके। सॉरी, इग्नेस रॉक को, केशर। इग्नेस रॉक को तो खत्म हो गया भाई, इग्नेस रॉक में और कुछ पढ़ना नहीं है। इग्नेस रॉक में मैं जितना पढ़ाया हूँ है ना, उसी से आएगा, है ना। हम लोग कोशिश करेंगे इस बार, है ना। चलिए, और नहीं आएगा है ना, पेट्रोलॉजी उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ठीक है।